अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज मी इकरा भट्टी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मकान सॉल्यूशन, पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट मार्केटिंग कंपनी। सेल्फ बिलीफ एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। वेल व्यूअर्स, टुडे वीडियो इज नॉट रिलेटेड टू द डिटेल ऑफ ऑन गोइंग रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। मकान सॉल्यूशन यूजुअली ऑफर्ड बट बेस्ड ऑन दैट इंडिविजुअल सक्सेस स्टोरी बाई होम इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ मकान सॉल्यूशन केम इन टू बींग। वेल लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड वेलकम टू द सीईओ ऑफ मकान सॉल्यूशन मिस्टर रिजवान चीमा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड इकरा, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर। इस साल मकान सॉल्यूशन ने काफ़ी अचीवमेंट हासिल किए हैं, कभी कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से बेस्ट सोशल मीडिया परफॉर्मर का अवार्ड, तो प्राइम वैली की तरफ से टॉप सेल्स पार्टनर का अवार्ड, और साथ ही साथ आप लोगों के यूट्यूब पे 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। थैंक यू सर। वी रियली नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी, तो उससे पहले हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपना एजुकेशन करियर कहाँ से स्टार्ट किया, और आपने हाउ डिड यू जंप इन रियल एस्टेट मार्केट, और उसके क्या आप इसी प्रोफेशन में आना चाहते थे या आप कोई और कुछ करना चाहते थे? नहीं, ये प्रोफेशन तो बिल्कुल प्लान नहीं था। जैसे कि पाकिस्तान में एक फेमस एग्जांपल है कि 3 लोगों से अल्लाह बचाए ज़िंदगी में ना ही सामना करना पड़े, डीलर, डॉक्टर और मौत का फरिश्ता। तो इस टॉपिक पे तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं बिल्कुल ऐसा प्लान नहीं किया था कि ऐसा कुछ करूँगा। माई लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम फैसलाबाद, आई वॉज बॉर्न देयर, देन माई अर्ली एजुकेशन स्टार्टेड फ्रॉम APS आर्मी पब्लिक स्कूल, एंड फ्रॉम माई मेट्रिकुलेशन एंड माई इंटरमीडिएट दैट वॉज इन मिलिट्री कॉलेज मरी, एंड आफ्टरवर्ड्स आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। So this is how my educational career, and उसके बाद latest on जब मैं professionally इस फील्ड में आया तो back in 2014-2015 I started a job in Gulbarg Greens। At that time Gulbarg was in at initial phase। तो मैं जब मास्टर्स कर रहा था तो मैंने कुछ जॉब्स पे अप्लाई किया था जिनमें गुलबर्ग था, और एक हॉस्पिटल की वैकेंसी थी असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग की, तो आई अप्लाइड देयर बिकॉज माई थीसिस वॉज इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, सो माई मच प्रिवलेज वॉज मार्केटिंग बेसिकली। सो जब मैंने वहाँ अप्लाई किया तो आई गॉट हायर्ड एट बोथ प्लेसेस, गुलबर्ग भी और दूसरी जगह भी। तो उस जगह एक था मेरे घर से डिस्टेंस थोड़ा दूर था, तो आई प्रेफर्ड गुलबर्ग ओवर एनी अदर थिंग, बट मेजरली गुलबर्ग में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने जब यहाँ पे जो लोग इंटरव्यू ले रहे थे उनसे पूछा था बातों के बारे में, तो तब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा रियल इस्टेट क्या होती है, और रियल इस्टेट से पता चला कि आगे इसमें जब मैंने जाके वर्किंग की कि रियल इस्टेट की एक्सपोजर क्या होते हैं, बाद में जाके फ्यूचर का किस तरह से लिंक होता है ओवरऑल रियल इस्टेट का पाकिस्तान की मार्केट या ओवरऑल दुनिया की मार्केट पर, तो आई प्रेफर्ड रियल इस्टेट इंस्टेड ऑफ अदर मार्केटिंग जॉब। सो हाउ This is how it started. Sir, we really know about your success कि आपने आपका जो background था वो army से related था, ठीक है, और फिर आपने एक completely different field में switch किया, तो क्या चीज़ ऐसी थी कि वो आपने जो है वो real estate में switch किया, why not army? आर्मी से रिलेटेड उस तरह से नहीं था, लेकिन बट बेसिकली मेरी एजुकेशन वॉज फ्रॉम आर्मी, इनिशियल एजुकेशन फ्रॉम APS आर्मी पब्लिक स्कूल, दैन मिलिट्री कॉलेज, द मोस्ट मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ वॉज इन मिलिट्री कॉलेज, और उसके बाद बाद में मैंने जो मास्टर्स किया था मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से किया था, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो आर्मी से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो इसलिए जो आर्मी से मेरा एक लिंक है वो ज़्यादा फील होता है। वैसे आमतौर पर आर्मी से इस तरफ प्रोफेशनल वाइज बिकॉज व्हेन आई वाज इन मिलिट्री कॉलेज तो माई टारगेट वॉज टू गेट इन आर्मी, बेसिक टारगेट सब एक ही चीज़ थी, क्योंकि हमें ट्रेन इस चीज़ के लिए किया जाता था कि यू हैव टू गो इन आर्मी, यू हैव टू ज्वाइन आर्मी एनी वे, सो आई वॉज मेंटली प्रिपेयर फॉर आर्मी व्हेन आई वॉज आउट ऑफ दैट फील्ड। तो सेकेंड ईयर के बाद जब मैंने आर्मी के लिए ISS भी दी, आई गॉट रिकमेंडेड, और उसके बाद मेरा एक आंख का इशू बना था, मेडिकली अनफिट हुआ, और आई स्विच टू सिविल लाइफ, देन आई कम्प्लीट मास्टर्स, और मास्टर्स कम्प्लीट करने के बाद फिर मुझे डिफरेंट प्रोफेशन जब एज पर जिस तरह नॉर्मली होता है, माई प्लान वॉज टू गो फॉर डॉक्टरेट, इस तरह से रियल एस्टेट का प्लान नहीं था, बट फिर एक जॉब हुई और जॉब के साथ फिर निचली जब गुलबर्ग में स्टार्ट हुआ तो फिर इसमें जब एक्सपोजर मिला, और बाकी मिलिट्री कॉलेज में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर था, वहाँ पे एक्सपोजर का लेवल इस तरह से था कि आपको डिफरेंट टाइम पे ना डिफरेंट लोगों से मुलाकात आपकी होती थी और वो पूरे दिन के लिए होती थी। फॉर एग्जांपल जो आर्मी चीफ थे वो रेगुलर मिलिट्री कॉलेज में आते थे, तो उनके साथ उठना बैठना तो आपका एक्सपोजर लेवल काफ़ी हाई होता है। देन IGT&D जो इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन है उनसे मुलाकात, और बाद में जब मैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गया तो वही लोग जो बेसिकली कोर एक सेटअप था एक्सपोजर का जिसमें मैं रहा, तो मेरा प्लान कभी भी किसी फील्ड से आउट होने का नहीं था, बट लेटर ऑन सम हाउ आई गॉट शिफ्टेड इन टू दिस रियल एस्टेट एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर डूइंग फाइन। मिलिट्री कॉलेज के बारे में थोड़ा बताएं कि वहाँ आपका टाइम कैसा गुजरा और वहाँ पे क्या कुछ होता रहा था? इट वॉज द बेस्ट लाइफ वन कुड आस्क फॉर, लाइक आई शुड गिव द एग्जाम्पल लाइक दिस कि इफ़ यू आर इन मिलिट्री कॉलेज तो आप किसी अपने वालिद के नाम से नहीं जाने जाते, यू आर नॉन बट योर कॉलेज नंबर
लेट से कॉलेज नंबर 354 रिजवान चीमा। अब आपने जितना उस टाइम उस मिलिट्री कॉलेज में गुजारना है तो आप मेरिट पे रहते हो, आप वहाँ उस कॉलेज में एक सिपाही का बच्चा भी होता है और एक लेफ्टिनेंट जनरल का बच्चा भी होता है, तो सबको इक्वल रेटेड पर ट्रेनिंग दी जाती है, इक्वल एक्सपोजर। द ओनली थिंग विच मैटर इज कि आप ओवरऑल एकेडमिक्स में कैसे हो, ओवरऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में कैसे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कैसे हो, जैसे डिबेट, डेक्लेमेशन एंड अदर स्टफ, पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशंस और इस तरह की चीज़ें। तो उसने मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज, लाइक द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ इज मिलिट्री कॉलेज, आई कैन ईजली से दैट। ठीक है, तो जब आपने जब ये रियल स्टेट का बिजनेस स्टार्ट किया और आपने सोचा कि मैं रियल स्टेट करता हूँ, तो आपके फैमिली का क्या डिसीजन था, आपके फादर इस चीज़ के लिए एग्री थे कि नहीं? एक्चुअली व्हेन आई स्टार्टेड रियल एस्टेट तो इनिशियली इट वाज जॉब, एंड व्हेन आई स्विच्ड माय जॉब टू बिजनेस बैक इन 2016-17 मैंने किए थे, मैंने ना नाम ये मकान सोल्यूशन का नाम मैंने पहले सोचा था, मुझे एक कंपनी थी होम सोल्यूशन, तो उस मतलब बाहर कंपनी थी, तो वहाँ से एक प्रपोजल आया तो मैं डिफरेंट नाम लगा, काफ़ी सेपरेट सेटअप डिफरेंट लगा नाम, तो फिर बाद से मैंने अपना नाम अपनी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाया और आई स्टार्टेड माय बिजनेस इन मार्केटिंग स्पेसिफिकली। बेसिकली स्टार्टली इनिशियली इट वाज कंस्ट्रक्शन, वी डिड सम प्रोजेक्ट्स इन गुलबर्ग एंड B17 और उसके बाद फिर पूरा रियल इस्टेट के मार्केटिंग तरफ आ गए। तो फैमिली की तरफ से यस इट वॉज ऑलवेज सपोर्टिव, माई फादर वॉज इज वेरी सपोर्टिव इन माई प्रोफेशन एंड ही ऑलवेज सपोर्टिव लाइक एनीथिंग। दैट्स गुड सर, आई रियली वॉन्ट टू नो कि जब आपकी फर्स्ट डील हुई और उसकी एक्साइटमेंट लेवल क्या था और वो कैसे आपने जो है वो क्लोज की थी। इकरा, व्हेन आई स्टार्टेड माय रियल एस्टेट करियर आई थिंक इट वाज 20th डे और 21st डे, तो जो मेरी फर्स्ट जो डील थी वो कंडक्ट हुई थी और लकीली इट वाज एन आर्मी ऑफिसर जनरल साहब थे जिनसे मैंने इनको फार्म हाउस सेल किया था, तो इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि इसमें रियल एस्टेट में आपको चीज़ें ना बेसिक समझ नहीं होती हैं, आपको चीज़ें ना जीरो से लेकर एंड तक एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए, आप किसी को चीज़ एक्सप्लेन करते हैं तो अगले बंदे को ये नहीं कि उसके सर पर थोपनी है चीज़, आपने उससे पहले एक्सप्लेन करनी है, उसे एजुकेट करना है कि इसमें आपके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ था ये और आई डोंट नो पता नहीं किस तरह से होगा, लेकिन 21st डे था आई थिंक जॉब का इनिशियली गुलबर्ग में, तो जब मेरी फर्स्ट डील हुई थी आई रिमेंबर दैट डे। आपने सबसे पहले कौन सा प्रोजेक्ट डील करना स्टार्ट किया था? गुलबर्ग ग्रीन्स। जिसमें गुलबर्ग ग्रीन्स इसलिए कि मेरी जब जॉब हुई थी यहाँ पे तो इनिशियली आई वाज इन सेल्स, देन आई गॉट ट्रांसफर टू मार्केटिंग, मेरी क्योंकि डिग्री मार्केटिंग थी, मेरा थीसिस जो एक्सपोर्ट मार्केटिंग पे था, तो आई वाज वेरी मच प्रॉमिस्ड ऑन दैट कि यार मैंने मार्केटिंग की तरफ एक्सेल करना है, सेल्स या इस तरफ से मेरा कोई ऐसा को प्लान नहीं था। बट लेटर स्टेज पर जाकर जब आपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो वन मैन शो होता है कि आपने जब बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपने मार्केटिंग भी करनी है, सेल्स भी देखना है, अकाउंट्स भी देखने हैं, इस तरह चीज़ें डिफरेंट जॉब्स आप बाद में डिवाइड करते हो विद द पैसिव टाइम जब कंपनी इवॉल्व होती है। इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था वो सेल्स में था और सेल्स फिर मार्केटिंग में हुआ और इससे फिर आगे सो फॉर एंड सो ऑन। आपने बताया कि आपने जो है वो गुलबर्ग को स्टार्ट किया था डील करना। गुलबर्ग मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट, और फिर उसके बाद क्या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ कि आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में स्विच कर लिया? स्विच नहीं किया था, आई वॉज स्टिल डूइंग गुलबर्ग, बट ये था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का ना जो लोकेशन है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, वो गुलबर्ग से बहुत सिमिलर थी। लाइक गुलबर्ग वॉज मार्केटिंग इन सच अ वे दैट गुलबर्ग इज अ प्रोजेक्ट विच इज लोकेटेड ऑन मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, लोकेटेड ऑन मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे समथिंग एल्स, बट गेटिंग अ इंटरचेंज ऑन मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे इज डिफरेंट थिंग। इसी रोड पर इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स DHA, बैरिया, नेम इट, PWD, समा गार्डन, जिस तरह का आप नाम ले लेंगे उसका प्रोजेक्ट मिलेगा, बट इंटरचेंज का जो पहला प्रोजेक्ट था वो गुलबर्ग को मिला था इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। तो इसकी वजह से गुलबर्ग की मुबासला स्मार्ट सिटी से बन जाती है, स्मार्ट सिटी का जो अपना इंटरचेंज है जो अप्रूव हुआ है वो मेन इस्लामाबाद मोटर वे पे, लाहौर इस्लामाबाद मोटर वे पे, तो उनमें दोनों में बड़ा फर्क है, यानी कि गुलबर्ग के अंदर जो विद इन सिटी है इंटरचेंज बट ऑन अ स्मॉल हाईवे, यानी कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे मोटर वे की तरह की रोड नहीं है। बट जब मैंने देखा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को इंटरचेंज वहाँ पे उनने जब प्लान इनिशियल मास्टर प्लान हमने शेयर किया था बाय द मैनेजमेंट ऑफ स्मार्ट सिटी, तो उसमें देखा कि यार इसकी लोकेशन वाइज ये गुलबर्ग से भी बेहतर है। और फिर ये हुआ था कि मैंने जब कंपैरिजन देखा कि गुलबर्ग की लोकेशन, कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन, गुलबर्ग के डेवलपर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स एंड गुलबर्ग की प्राइसेस, कैपिटल स्मार्ट सिटी की प्राइसेस, आई प्रेफर स्मार्ट सिटी बिकॉज स्मार्ट सिटी के डेवलपर्स जो थे, गुलबर्ग इज ओन्ड बाय IBCHS, इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज कॉर्पोरेटिंग हाउस सोसाइटी, द मैनेजमेंट इज स्लो इन डेवलपमेंट, यहाँ पे चीज़ें उस तरह से नहीं होती जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह आप सुनते हैं ना कि डेवलपमेंट होती हैं। तो HRL का नाम अटैच था, HRL का जाती प्रोजेक्ट था जिसने गुलबर्ग के अलावा आप कह लें कि यहाँ पे DHA, बैरिया और डिफरेंट पाकिस्तान के नेम इट, मतलब पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग है दैट इज बैरिया आइकन टावर डेवलप्ड बाय HRL, और इसके अलावा जितने पाकिस्तान के मेजर मोटरवेज हैं जिस मोटरवे पे इंटरचेंज है स्मार्ट सिटी का, वो मोटरवे बनाने वाली कंपनी का नाम है अभी लिमिटेड, तो इसलिए वहाँ पर शिफ्ट हुए
इट वेंट अमेजिंग, द होल राइड वाज अमेजिंग. सर YouTube पे आपके कितने सब्सक्राइबर थे जब आपने स्टार्ट किया, और उसके बाद एक क्या वो था कि आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी का मैप सामने रखा और आपने वॉइस ओवर किया, क्या आपको यकीन था कि आपको इसमें जो है वो कामयाबी होगी? YouTube का मेरा कभी प्लान नहीं था. YouTube बेसिकली इट वॉज सजेशन. माई फ्रेंड ही वॉज लिविंग इन नॉर्वे, ही सजेस्टेड भी किया आई शुड मेक अ चैनल, और मैं उस पर ना साइट की वीडियोज और बाकी ना प्रमोशनल वीडियोज भी देगा. एट दैट टाइम YouTube वॉज वेरी न्यू, यहाँ पे YouTube को ऐसा कुछ लोग जानते नहीं थे, और उसने मुझे एक आइडिया दिया, और उस आइडिया से मैंने आगे नई चीज़ें इनकलकुलेट की कि यार यहाँ पे इस चैनल के थ्रू ऐसे हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि आई थिंक देर आर 700 सेल्स पार्टनर ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी, प्लस माइनस 600-700 सेल्स पार्टनर, ऑथराइज सेल्स पार्टनर. आउट ऑफ देम एवरीवन सेल्स प्लॉट लाइक मी, हर बंदे का एक काम है, हम वो प्लॉट बेचते हैं, बदले में वी गेट द कमीशन फ्रॉम सोसाइटी, वी डोंट चार्ज द क्लाइंट. और कमीशन सोसाइटी लेने के लिए ना ये एक सिंपल मार्केट प्रैक्टिस थी यहाँ पे. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने थॉट कि यार मैं ना कुछ डिफरेंस करूँगा, क्योंकि मार्केट में डिफरेंट करने का हमेशा आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ, आप जिंदगी में किसी वक्त भी देखें तो आपके पास ना कुछ इनोवेट करने का ऑप्शन हमेशा रहता है. तो आई प्लान दैट कि मैं साइट की कैपिटल स्मार्ट सिटी की वीडियोस बनाया करूंगा, क्योंकि मैंने गुलबा की पहले कुछ वीडियोस बनाई थी एंड दोज वर वेरी पॉपुलर, क्योंकि एक इन्वेस्टर है इज लिविंग इन यूएसए, ही कांट कम टू पाकिस्तान फॉर लेट्स से 2 years or 3 years, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट में फॉलोअप लेना है. उसके पास सोल्यूशन क्या है? उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है अनटिल और अनलेस वो किसी रिलेटिव को भेजता नहीं है साइट पे, और वहाँ के वो वीडियो बनाता नहीं है और वीडियो शेयर नहीं करता विद दैट स्पेसिफिक पर्सन. तो उस लिहाज से देखा जाए तो जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल यूट्यूब का, तो आई प्लान्ड अ सिंगल पॉइंट एजेंडा, दैट वॉज कि मैंने साइट की वीडियोज़ जो है ना मैक्सिमम शेयर करनी है, क्योंकि 700 सेल्स पार्टनर सेल किसी ने भी किया हो, दैट क्लाइंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कनेक्टेड टू मी, क्योंकि उसने जब डेवलपमेंट की बात करनी है जिस बंदे से प्लॉट बाय किया तो उसने कहा सर मुझे तो आइडिया नहीं, मैं साइट पर कोई गया नहीं. तो मैंने जो साइट से स्टार्ट किया, साइट पर जाकर मुझे पर्सनली शौक भी था मैप रीडिंग और इस तरह की चीज़ों का ना, कि ज्योग्राफिकल चीज़ें देखना, फ्यूचर में देखना इस तरह कैसे बनेगा, और मैप को फॉलो करना, इस मैप पे ये बन सकता है, ये ऐसे होगा ऐसे होगा, इन चीज़ों का. तो आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियो कैपिटल स्मार्ट सिटी, एंड आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द मेंबर्स हु सपोर्टेड मी ऑल द वे टिल दिस पॉइंट. और हमेशा एक कहते हैं कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन की सपोर्ट रही मुझे मेंबर्स की तरफ से, बिकॉज आई वर डूइंग अ जॉब जो मेंबर्स के फेवर में थी. एक बंदे ने प्लॉट लिया, वो एबीसी किसी से भी लिया हो, किसी भी साइज का प्लॉट लिया हो, किसी से भी लिया हो, लेकिन जब उसे साइट की डेवलपमेंट देखनी है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है. तो इसलिए स्टार्टेड दिस. आई थिंक इनिशियली इट वाज 400-500 वीडियोस या 600 वीडियोस शुरू की जो थी वो सिर्फ साइट की थी, मेरे फेस लोग नहीं जानते थे. मैं याद पड़ते मैं कैपिटल स्मार्ट सिटी हेड ऑफिस में जाता था, तो अक्सर मेंबर्स जो होते थे वो जो वहाँ पर सेल्स का स्टाफ कह रहे थे कि हमने फ्लाम ब्लॉग की वीडियो देख ली रिजवान चीमा की, और रिजवान चीमा का फेस कोई नहीं जानता था. एक्जेक्टली मेरे भी आपका फेस कभी भी नहीं देखा था. इनिशियली इट वाज लाइक आई हैव टू मेक द वीडियोस ऑफ साइट. लोगों को रिजवान चीमा के फेस से कंसर्न नहीं है, रिजवान चीमा या एबीसी कोई भी वीडियोस बना रहा हूँ, द कंसर्न इज कि यार उनकी इन्वेस्टमेंट जहाँ पे हुई है उस लैंड का स्टेटस क्या है, उस जगह का स्टेटस क्या है, आइदर इट इज डेवलप्ड आइदर इट इज नॉन डेवलप्ड. फिर मैंने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था कि गूगल अर्थ लोकेशन की मदद से मैं चीज़ों को कंपेयर करता था कि पहले ये जगह ऐसी थी अब ऐसे थी अब ऐसे थी, फिर वो इंसिग्निया बन गया, वो एक ट्रेडमार्क बन गया कि गूगल अर्थ की लोकेशन प्लस एक्चुअल साइट फुटेज, और वो करते 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 वी आर दिस एट दिस पॉइंट कि लोग स्मार्ट सिटी वीडियो सर्च करते हैं तो मोस्टली जो वीडियोज़ होती हैं वो ट्राई करते हैं कंपैरिजन की साइट की कंपैरिजन देखें, तो उसको गूगल अर्थ से एक हेल्प भी मिल जाती है कि प्रीवियसली इट वाज लाइक दिस एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस, एंड बाकी साइट की डेवलपमेंट जो होती है वो तो रेगुलर मिलती रहती है. सो हाउ दिस इज़ आवर दिस जर्नी वॉज. एक्चुअली आपकी जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से कब आपकी वीडियो को जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया? 2019 में था जब मैं स्मार्ट सिटी के ऑफिस में जो लोग थे ना दे रिकॉग्नाइज मी अर्लियर, और फिर उससे मतलब ये होगा था साइट की वीडियोस क्योंकि बनाता ही कोई नहीं था, तो आई वाज ओनली मैन, तो सिंगल आउट होना कोई डिफिकल्ट बात नहीं था. आपको तो डिफरेंट सोसाइटी की तरफ से भी डिमांड आ रही है कि हमारी वीडियोस करें. होती हैं लेकिन डेफिनेटली आप ना हर बंदे की एक प्रेफरेंस होती है. मैं कहता हूँ कि मैं सर कोई भी अक्सर मुझसे कोई मशवरा लेने आता है, कोई नई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो मुझसे मशवरा जब मांगते हैं ना, तो मैं एक बात कहता हूँ कि एक प्रोजेक्ट को सिंगल आउट कर लो जिसके आप साथ ना एंड तक चलना है, बाकी साइड वाइज जो प्रोजेक्ट्स आते हैं उन पर आप काम करें डेफिनेटली, लेकिन एक प्रोजेक्ट के साथ आप ऐसे अटैच होंगे उस प्रोजेक्ट की आपको हर एक चीज़ पता हो, वो आपका सिंगल कह लें कि कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो प्रोजेक्ट. जैसे मेरे केस में कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाइक कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइट के हवाले से I can sit with the management. मैं उनको बताता हूँ कि यार ये साइट ऐसे 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 डेवलप हुई है, इसमें ये स्ट्रीट्स डेवलप है, ये स्ट्रीट फिलिंग वाली है, ये स्ट्रीट एलिवेशन वाली है, इस स्ट्रीट में पहले ऐसे था, क्योंकि मेरे पास डे वन से 2017 से लेकर 2022 तक साइट की जितनी स्मार्ट सिटी अभी है और आगे 5-7-10 सालों में जितनी बननी है उसकी एक्चुअल साइट की ग्राउंड की फुटेज हैं, यानी फुटेज से आप कंपेयर कर सकते हैं ये एरिया पहले कैसे दिखाई देता था. मैं पहले वीडियोज़ बनाता भी था कि पास में ऐसे था ऐसे था, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन आपके पास एक कंपेरिजन होता है.
एक प्रोजेक्ट हमेशा कोर प्रोजेक्ट होना चाहिए, बाकी सेकेंडरी प्रोजेक्ट साइड बाय जाते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन मेन प्रोजेक्ट जो है दैट इज CSE of course. Sir, आप अपने CSE and LSE, the major two projects of HRL group. ठीक है. Sir, आप अपने followers को क्या पैगाम देना चाहते हैं और जो different real estate में companies में हैं और आपको अपना mentor समझते हैं और आपकी videos as a training के लिए दिखाई जाती हैं कि जी रिजवान चीमा की videos देखें और वो काफ़ी informative है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जब भी आप रियल स्टेट का काम स्टार्ट करें, ट्राई करें ना पहले कि आप स्टडीज़ बहुत करें. स्टडीज़ से मुराद ये नहीं कि वही बुक्स खोलें और पढ़ने लग जाएं कि इसमें क्या होता है. रियल स्टेट से रिलेटेड टॉपिक की स्टडीज़ करें कि ओवरऑल रियल स्टेट जो है इवॉल्व कैसे हुई विद द पैसेज ऑफ टाइम. डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ओवरऑल आपको दुनिया में हर एक मुल्क की हर एक शहर की आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाती हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे. आप देखेंगे रियल स्टेट इवॉल्व कैसे हुई. फिर रियल स्टेट की कोर जो सबसे कोर चीज़ होती है दैट इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लोकेशन, कि आपने लोकेशन को डिस्क्राइब कैसे करना है और उस लोकेशन के लिहाज से उस प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब कैसे करना है. तो जो लोकेशन का एस्पेक्ट है उसको आप स्टडी कर सकते हैं, बेस्ट वे इज़ गूगल अर्थ. आपके पास दिस इज नॉट 1970 और 1960, दिस इज 2022 21st सेंचुरी. तो आपके पास दुनिया में हर एक जो फैसिलिटी है वो आपके पास ऑन टेबल है, तो आप इसको इतना अच्छा चाहे अवेल कर सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितना उसमें, कहते हैं जितना गुड डालेंगे उतना मीठा. जितनी आप उसमें एफर्ट करते हैं उतने ही रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं. जितनी वो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसे किस तरह से स्टार्ट करते हैं. माई सजेशन इज के स्टार्ट रियल इस्टेट विद द कम्प्लीट वर्किंग. आपको बेसिक लेआउट, आपको जमीन के यानी कि जैसे कहते हैं कि आप रियल एस्टेट स्टार्ट करें, सबसे पहले समझें कि मुरब्बों से स्टार्ट करें. मुरब्बे क्या होते हैं, बीए क्या होते हैं, किले क्या होते हैं, किलों में आगे कनाल कितने होते हैं, कनाल में आगे मरले कितने होते हैं, मरलों में आगे एकड़ कितने होते हैं, और मरलों में आगे स्क्वायर फीट कितने होते हैं, स्क्वायर यार्ड्स कितने होते हैं. ये बेसिक लर्निंग है रियल एस्टेट की ना, कि आप आम जो पटवारी सिस्टम है, पटवारखाना सिस्टम है, उसका जो इंतकाल है या उसके लट्ठे हैं सारे उनको समझें. पहला काम ये करें, और ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है. किसी से भी आप, आपके लोकल एरिया में कोई भी पटवारी तहसीलदार कोई भी रहता है, उससे सेटिंग करें, उससे पूछें, सवाल करें. थोड़ा डिफिकल्ट लगता है शुरू में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, बट वंस दिस इज अंडरस्टूड और उसके बाद आपके पास कोई रुकावट नहीं होती, क्योंकि आपके पास डिस्कशन के लिए हमेशा लैंड का टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है. अगर कोई बंदा पूछता है कि लैंड की बात करते हैं उनसे, तो मैं उनको एक्सप्लेन करने की इस पोजीशन में हूँ कि लैंड का प्रोसेस होता कैसे है. क्या आपकी, आप जब स्टार्ट करते हैं लैंड तो नीचे से स्क्वायर फीट से स्टार्ट होता है, स्क्वायर की फीट के बाद फिर मरले स्टार्ट होते हैं, मरलों के बाद फिर कनाल, कनाल के बाद फिर एकड़, एकड़ के बाद फिर मुरब्बे, मुरब्बे के बाद फिर आगे, मतलब चीज़ें फैलती 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 आपकी एंड ऑफ द डे एक पूरी डोमेन होती है रियल एस्टेट की. तो उसको स्टडी करें तो मेरा ख्याल है आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेनिफिट मार्केट में ले सकते हैं. आपने शुरू से प्लान किया हुआ था कि मकान सोल्यूशन का मैं कंपनी रखूँ बनाऊँगा और उसका मैं नाम रखूँगा मकान सोल्यूशन, या नहीं? इट वॉज प्लान सच अवे कि मुझे नाम पता चला था तो उससे मैंने आगे, पहले इसका नाम मैंने प्लान किया था होम सॉल्यूशंस. इट वॉज लाइक अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, और कंस्ट्रक्शन कंपनी से आगे जो बाकी उसकी सब्सिडीज बनाऊंगा. बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि यार एक नाम डिफरेंट होना चाहिए जिसमें लोकल भी जो लोग हैं उसको अंडरस्टैंड कर सकें, और वैसे भी ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए अंडरस्टैंड हो. तो मकान इज़ अ कॉमन नेम, अरेबिक, पर्शियन और उर्दू का एक कॉमन नेम है मकान. तो मकान से मैंने स्टार्ट किया था मकान सॉल्यूशंस, लाइक एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू अ हाउस वी ऑफर दैट सर्विस, लाइक कंस्ट्रक्शन होगी, मार्केटिंग होगी, सेल्स होगी, बाकी तमाम चीज़ें, एंड विल एक्सपेंड दैट अप टू सर्टेन लिमिट. इस टाइम मकान सॉल्यूशन कितने प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा है? आई गेस अराउंड अबाउट 2022 प्लस माइनस, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर. उनमें से आपका फेवरेट प्रोजेक्ट? सीएससी एलएससी ऑफ कोर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी है. ठीक है सर, मकान सॉल्यूशन, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन टू आस्क, एवरीबॉडी नोस मी बिकॉज़ ऑफ स्मार्ट सिटी एंड आई लव स्मार्ट सिटी इन एनी केस. क्योंकि स्मार्ट सिटी का ना अभी लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा इसका. क्योंकि ना मैंने एक चीज़ को फिजिकली पहले पास्ट में ना गुलबर्ग की फॉर्म में होते देखा है. मैं गुलबर्ग का नाम इसलिए ले रहा हूँ, गुलबर्ग की चंद बातें स्मार्ट सिटी से मैच करती हैं, बट यू हैव नो आइडिया कि स्मार्ट सिटी फ्यूचर में कैसा होगा, फ्यूचर में इस पर कितने ज़्यादा आपको रिटर्न्स मिलेंगे. दैट वुड बी द मोस्ट डिजायर्ड प्रॉपर्टी इन ट्विन सिटीज. बिकॉज अब देखिए इस्लामाबाद की जो मेन आर्टरी है जो इस्लामाबाद को कनेक्ट करती है, इस्लामाबाद की जो कह लें कि शाहराग है, दैट इज़ M2 मोटरवे, जो से बाकी कैपिटल इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद को जो बाकी मुल्क से कनेक्टिविटी मिलती है दैट इज़ फ्रॉम द M2 मोटरवे. अब M2 मोटरवे पे किसी बंदे ने जैसे भी आना है, उसने उड़ के आना है, उसने गाड़ी पे आना है, उसने पैदल आना है, उसने रेड के आना है, जैसे भी उसने आना ना, उसने स्मार्ट सिटी क्रॉस करना है. क्योंकि स्मार्ट सिटी का मोटरवे फ्रंट दैट इज 6.7 किलोमीटर्स, और जो चक्री रोड फ्रंट है आई थिंक 4.47 किलोमीटर चक्री रोड फ्रंट है. तो अब वो चक्री रोड का इस्तेमाल करता है या जो भी रास्ता इस्तेमाल करता है, उसने स्मार्ट सिटी के सामने से गुजरना है. अंटर अनला सब ग्रैंटन रोड से आ रहे हो, वो आने वाले दिनों में मसला भी हल हो जाएगा. जब रिंग रोड बनेगा तो जिसने एयरपोर्ट की शक्ल देखनी जिंदगी में, उसने स्मार्ट सिटी से गुजरना है. तो स्मार्ट सिटी इज द मोस्ट फेवरेट प्रोजेक्ट एवर. मकान सॉल्यूशन के इस टाइम कितने ऑफिसेज हैं और आप अगले 3 या 4 सालों में मकान सॉल्यूशंस को कहाँ देखते हैं? करंटली मकान सॉल्यूशन के 6 ऑफिसेज हैं, 3 इन गुलबर्ग,
जिसमें हम बैठे हुए हैं, फिर सामने वाली ब्रांच, और उसके अलावा जो एम्पायर बिल्डिंग है उसमें ब्रांच है, उसके अलावा ब्लूरिया में ब्रांच है, F11 में ब्रांच है, DH2 में ब्रांच है, ये तो 6 ब्रांच में जो इस्लामाबाद में है, इसके अलावा लाहौर में DHFA8 में, और अभी 2 ब्रांचेज मजीद ऑपरेशन होने वाली हैं इन कमिंग डेज, एक सियालकोट में और एक गुजरखान और खालिया में, बल्कि 3 ब्रांचेज, तो ऑलमोस्ट विल बी एट 10 बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 10 ब्रांचेज। सर आप अपने एम्प्लॉयज को 14 अगस्त की उस पर क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए? मैं डेफिनेटली यही कहना चाहूँगा एम्प्लॉयज़ को तमाम को कि आप जब भी आपको एक रियल इस्टेट की फील्ड में जब आते हैं, क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं तो इस फील्ड को आप जितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं आप ना इस चीज़ को इस तरह लर्न करें जैसे आपने बेसिक एक एजुकेशन को लेके चलते हैं, आपने इसकी एजुकेशन लें पहले, रियल इस्टेट से एजुकेट हों और उस एजुकेशन को बाद में इंप्लीमेंट करें ऑन द रियल ग्राउंड। आपको फ़ायदा से ही होगा कि आप एक प्रोजेक्ट जब किस तरह स्टार्ट करते हैं रियल इस्टेट में और आगे जाके जब आपने चलना है, यू आर लिविंग इन इंडिपेंडेंट कंट्री और आपको नहीं पता कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का फ्यूचर कितना ब्राइट है, पाकिस्तान का फ्यूचर इतना ब्राइट है कि जितना कोई इमेजिन कर सकता है। अक्सर लोग कहते हैं कि ओवरसीज़ जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, इस तरह करना है, बट पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ब्राइट फ्यूचर इसलिए है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है आने वाले दिनों में आप देखेंगे जब चीज़ें चलेंगी, क्योंकि दुनिया में जिस तरह ब्लॉक शिफ्ट हो रहे हैं, एंड आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ दिस थिंग कि पाकिस्तान से अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। सो स्टे मोटिवेटेड एंड वर्क इन पाकिस्तान। वेल, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।